दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश में हंसने पर भी बैन हो सकता है, यानी कि अगर आप उस देश में हंसते हैं तो आपको 6 महीने से साल भर की जेल हो सकती है या फिर आपको उस देश से ही गायब किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक देश है उत्तर कोरिया। जानेंगे उत्तर कोरिया से जुड़ी कुछ चीजों को, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों उत्तर कोरिया एक तानाशाही सरकार वाला देश है। तानाशाही सरकार वो होती है जो अपनी जनता पे बलपूर्वक किसी नियम को लागू करती है और वो एक निरंकुश सरकार मानी जाती है। और दोस्तों इस समय उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग, जिनके पिता का नाम था किम जोंग इल। दोस्तों 2011 में जब इनके पिता की मौत हुई थी तो पूरी जनता को यह आदेश दिया गया था कि आपको 10 दिन तक रोना है, और ऐसे नहीं रोना है बल्कि चिल्ला चिल्ला के रोना है, और आपको यह दर्शाना है कि आप अपने राजा से कितना प्रेम करते थे। दोस्तों उस 10 दिनों में लोगों को यह क्लियर किया गया कि कौन लोग सही में रो रहे हैं और कौन लोग नहीं रो रहे हैं। जो लोग नहीं रो रहे थे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, यहां तक कि उनको 6 महीने तक की कड़ी सजा हुई और कुछ लोगों को तो उत्तर कोरिया से ही गायब कर दिया गया, और कहां गायब किया गया यह आज तक पता नहीं चला। तो किम जोंग के जो पिता हैं जिनका नाम है किम जोंग इल, और किम जोंग के दादा थे जिनका नाम था किम सेकंड सुंग। दोस्तों इन दोनों लोगों की फोटो उत्तर कोरिया के घर घर में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां के सरकारों का सख्त आदेश है जो कि किम जोंग है, कि उत्तर कोरिया के घर घर में इन दोनों लोगों की फोटो रहनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को यह पता चले कि आप अपने नेता से कितना प्यार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर कोरिया में जब भी इनके पिता की वर्षगांठ मनाई जाती है तो लोगों को 10 दिन पहले से ही रोना होता है और रोने की प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि एनिवर्सरी के दिन लोग जो है अच्छे से रो सके, और जो लोग नहीं रोते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा किम जोंग के टीवी चैनल्स पे आपको फिल्म मूवीज या सीरियल्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि किम जोंग से रिलेटेड और उनके खानदान से रिलेटेड चीजों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे उनके नेता को जो है केवल हीरो दिखाया जाता है, बाकी दुनिया के चीजों को जो है उनको नहीं दिखाया जाता है। और किम जोंग जो है अंग्रेजी सभ्यता से बहुत ही नफरत करता है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोगों के कल्चर से बहुत नफरत करता है, इसलिए वहां पे जींस पहनना बिल्कुल ही बैन है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा जो है हॉलीवुड फिल्में भी देखना वहां पे बैन है। दोस्तों इस तानाशाह की वजह से उत्तर कोरिया के लोगों में बहुत ही गरीबी है। जी हां दोस्तों, वहां के लोगों में इतनी गरीबी है कि वो लोग कच्चा मांस खाते हैं, यहां तक कि मरे हुए लोगों के मांस की भी बिक्री की जाती है। दोस्तों इसे आप जान सकते हैं कि अगर किसी देश की सरकार जो ऐसी हो तो वहां की जनता का क्या हाल हो सकता है। दोस्तों वहां के कुछ लोग जो है देश छोड़ के जो है निकल जाते हैं, और निकलने के बाद ही इन चीजों का पता चलता है कि उत्तर कोरिया में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया एक गुप्त देश माना जाता है। इसलिए गुप्त देश माना जाता है कि वहां के लोगों की जानकारी, वहां की चीजों की जानकारी, वहां के सरकार की जानकारी लोगों के बीच कम है। उत्तर कोरिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अच्छी सरकार है।